From jobs to gas cylinders and special status to Bihar to new airports for the state, the Rashtriya Janata Dal has released their election manifesto ahead of the Lok Sabha elections. The former Bihar Deputy Chief Minister Tejaswi Yadav, who released the document in the presence of senior RJD leaders, said his party has made 24 promises to the people of the nation and Bihar. Releasing the Parivartan Patra, RJD founder Lalu Yadav's son and political heir promised 1 crore jobs, cooking gas cylinders at 500 rupees, caste census, a special status for Bihar, and the restoration of OPS, among other things. He also promised 1 lakh rupees per year to women from the poor families on Raksha Bandhan. Ek matra lakshya hai ki Bihar ko hum kaise vikshit kare aur jo desh mein sabse bada mudda berozgari hai. तो जनता की बात हम लोग करें, जनता के लिए काम करें और सेवा करें, और जो चीज हम कर सकते हैं आज हम लोगों ने वही प्रण लेकर के आप लोगों के समक्ष रखा है. 15 अगस्त से बेरोजगारी से आजादी नौजवानों को मिलना शुरू हो जाएगा, और रक्षाबंधन से हमारी गरीब बहनों को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष हमारी सरकार भारत में बनती है तो हम लोग उसको दिलवाने का काम करें. जनता मालिक है और जनता मालिक का आशीर्वाद जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं हम लोगों को मिल रहा है, और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार पूरे देश में बनने जा रही है. Meanwhile, Chirag Paswan was quick enough to take a dig at the RJD's manifesto. Listening. चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं, फिर कहा जाता है कि हमने गठबंधन की सरकार नहीं तो अपनी सरकार के लिए कहा था, ये तमाम बातें कही जाती हैं. हकीकत है आज की तारीख में ये लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, और लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता ये मन बना चुकी है कि पुनः तीसरी बार मौजूदा प्रधानमंत्री जी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाना है. We're crossing over to my colleague Saket to get us more on this. Saket, we've just been able to go through some of the key highlights of the RJD's manifesto, some being caste census, you know, a special price for cooking gas cylinders. Beyond this, they're also saying that there's going to be a special status for Bihar. Tell us more about the significance of the promises that they seem to be making. देखिए, बिल्कुल, ये जो घोषणा पत्र जारी किया गया है आरजेडी की तरफ से, इसमें बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की बात कही गई है. उसके अलावा स्पेशल पैकेज भी बिहार को 1,60,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज देने की बात घोषणा इसमें तेजस्वी ने की. और सबसे बड़ी घोषणा जो है वो 1 करोड़ नौकरी देने की बात कही गई है. जहाँ कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 30 लाख लोगों को नौकरी की बात कही थी, उसको आगे बढ़ाते हुए 70 लाख और ऐड किया है तेजस्वी ने. और जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि कांग्रेस तो 30 लाख कह रही है, आप 70 लाख और बढ़ा रहे हैं, तो वो बोले कि इसको सृजित किया जाएगा, यानी कि ये वैकेंसी जो है क्रिएट किया जाएगा और उसके बाद ये जो नौकरी है वो लोगों को दी जाएगी. लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि घोषणाएं तेजस्वी कर रहे हैं, लेकिन एक क्षेत्रीय पार्टी की घोषणाओं का, क्योंकि ये कोई बिहार विधानसभा या बिहार का कोई चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है. और जब इंडिया गठबंधन है उसमें कई दल हैं, अपने अपने तरीके से अगर वो लोगों को, अपने वोटरों को रुझाने के लिए इस तरह के घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, लेकिन एक साथ अगर तमाम जो पार्टियां हैं वो एकजुट होकर कोई घोषणा पत्र जारी करता तो कुछ समझ में आता है. लेकिन एक छोटी छोटी पार्टियों की तरफ से घोषणा पत्र देना और देश के संदर्भ में इस तरह की बात करना, ये थोड़ी बचकानी लगती है. और इसी को लेकर बीजेपी भी हमलावर है. बीजेपी तेजस्वी यादव पर निशाना साध रही है. बीजेपी के नेता कह रहे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि नौकरी के बदले पैसा लेने इसका इतिहास रहा है आरजेडी का, तो हो सकता है कि ये नौकरी वो पैसा लेकर ही दे. तो अलग अलग तरह से इस पर व्यंग भी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है.